साल 2014 का चुनाव, जब नरेंद्र मोदी देश को विकास की राह पर ले जाने का वादा कर रहे थे, तो उसी समय कांग्रेस इस माथापच्ची में उलझी थी कि एक साल में 9 सिलेंडर दिए जाएं या फिर 12। 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी सरकार सिलेंडरों की संख्या तय करने में जुटी हुई थी, जो ये बताने के लिए काफी है कि देश की माताओं और बहनों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए तत्कालीन यूपीए सरकार कितनी गंभीर थी। पहले कैसी सरकार चलती थी? कांग्रेस के जमाने में सामान्य मानवी को गैस का कनेक्शन सीधा नहीं मिलता था। जब तक कटकी कंपनी की व्यवस्था न हो, गैस का चूल्हा नहीं मिलता था। उसके जमाने में नियम था कि हर मेंबर पार्लियामेंट को, एमपी को 25 कूपन मिलेगी, हर साल 25 कूपन, और वो अपने इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में एक साल में 25 लोगों को कूपन देगा, उस कूपन से उसको गैस का कनेक्शन मिलेगा। ये देखिए 21वीं सदी में कांग्रेस ने कैसे राज किया, इसका नमूना देखिए। एमपी को 25 कूपन, 5 साल में 125 कूपन और 125 घरों में गैस का कनेक्शन। मध्यम वर्ग का परिवार सुबह एमपी साहब के घर के बाहर कतार लगा के खड़ा रहता था, हाथ पैर जोड़ता था, साहब एक कूपन दे दीजिए। वो कहता है अगले साल देखूंगा, आएगा तो दे दूंगा। वो कहते हैं अच्छा इतना कोई सिफार लाओ, कोई पैसे दे दो, कुछ भी करो, अरे दे दो, कोई सुनता नहीं था। ये देश वही है, लोग वही है, सरकार वही है, कानून वही है, फाइलें वही है, लीडरशिप बदलती है, सोच बदलती है, तो काम कैसे होता है। हमने वही 2014 में जब चुनाव के बाद नतीजे आए और जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तो देश के प्रधान सेवक मोदी साल 2016 में माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना लेकर आए और बिना बिचौलिए के लोगों को आसानी से गैस कनेक्शन मिलने लगे और सब्सिडी के पैसे भी सीधे खाते में आने लगे। बहुत ही छोटा एक गलियारी जैसा मेरा घर था, कोई खिड़की नहीं थी, आने जाने का सिर्फ एक दरवाजा था और माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे, ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे। और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं। और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। साल 2016 में पीएम मोदी ने तो देश से 2019 तक 5 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त देने का ही वादा किया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति होती है तो लक्ष्य भी छोटा पड़ जाता है, तो मोदी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मोदी सरकार ने 27 मार्च 2019 तक 5 करोड़ नहीं बल्कि 7 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों तक उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन पहुंचा दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सरकारी वेबसाइट में दिए आंकड़े के मुताबिक देश के 714 जिलों में 27 मार्च 2019 तक 7,18,86,167 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। मोदी सरकार की इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ यूपी को मिला और उसके बाद ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य भी इस योजना का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहा। यूपी में 1,29,66,702 गैस कनेक्शन जारी किए गए, पश्चिम बंगाल में 80,62,234 गैस कनेक्शन जारी किए गए, बिहार में 78,91,061 गैस कनेक्शन जारी किए गए,
मध्य प्रदेश में 64,47,754 गैस कनेक्शन जारी हुए। राजस्थान में 56,94,287 गैस कनेक्शन जारी हुए। ओडिशा में 42,23,385 गैस कनेक्शन जारी किए गए। महाराष्ट्र में 40,59,581 गैस कनेक्शन दिए गए। तमिलनाडु में 31,40,944 गैस कनेक्शन जारी किए गए। झारखंड में 29,06,587 गैस कनेक्शन जारी किए गए। कर्नाटक में 28,22,772 गैस कनेक्शन जारी हुए। मोदी सरकार की इस योजना से चूल्हा फूंक रही माताओं बहनों को कितना आराम मिला है, ये खुद उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों से सुनिए। इसका खाना बनाते जाए बहुत आराम हो गई बा, अब धुइया उइया नहीं खेल लगत, गोइठा पे बनावत रही तो धुइया लगत रहे। कहीं के खाना स्कूल जाए के टाइम ले बन जाता, बहुत आराम के काम बा, लकड़ी गोइठा नहीं खे जुटावे के सब। सरकार जो दे दिया तो बहुत आराम के काम हो गया। सबसे ज्यादा और परेशानी होती है चूल्हा बांधने में, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अब नहीं दिक्कत रहती है। अब सुबह भी बन जाता है, जल्दी खाना बन जाता है, बच्चे लोग पढ़े चले जाते हैं। खाना बनाते रहे बहुत दिक्कत परेशानी होती रही हमको, बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत होती रही, अब गैस मिल गया है, गैस पे बनाते हैं, अच्छा खाना बनता है, आराम मिलता है। मोदी सरकार की इस योजना की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी कर चुका है। WHO की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक दो वर्षों में भारत की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कुछ 37 मिलियन महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए हैं, ताकि वो घरेलू ऊर्जा उपयोग को स्वच्छ करने के लिए स्विच कर सके। कई वर्षों से देश भर की तमाम महिलाएं धुएं में खाना बना रही थी। देखने में तो ये आम बात लगती है, लेकिन इसका स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है, आंखों को कितनी तकलीफ होती है और फिर समय कितना बर्बाद होता है, ये तो वही माँ बता सकती है जो घंटों चूल्हा फूंकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने छोटी दिखने वाली बड़ी परेशानी को पहचाना और देश भर की गरीब महिलाओं को भी मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया, जिससे वो आज आराम से गैस चूल्हे पर खाना बना रही है। मोदी सरकार की इस योजना ने गांव की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या इतनी बड़ी योजना का फायदा BJP को आने वाले आम चुनाव में मिलता है या नहीं। देश की 7 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को मुफ्त गैस सिलेंडर देकर धुएं से मुक्ति देने का काम भी आपने हमें सेवा करने का मौका दिया, हमने करके दिखाया। देश भर में 10 करोड़ गरीब परिवारों के घर शौचालय देकर बहनों को इज्जत देने का, जीवन देने का सौभाग्य भी हमें मिला है। 1.5 करोड़ से अधिक गरीब बेघर परिवारों को अपना पक्का घर भी हमारी सरकार ने ही दिया है। देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों तक पहली बार बिजली कनेक्शन देने का काम भी हमने ही किया है। 15 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के ऋण देकर युवा साथियों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम पहली बार NDA ने ही किया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को, और मुझे विश्वास है कि जब ये खबर आपने सुनी होगी आपका सीना चौड़ा हो गया होगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला भी हमने ही लिया। देश के ईमानदार करदाताओं को 5 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर
टैक्स जीरो करने का रिकॉर्ड भी हम ही ने बनाया है। साथियों, समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो विकास के हमारे इन कामों से अछूत रहा हो। सबका साथ सबका विकास की हमारी यही सोच है जिस पर नए भारत का निर्माण हो रहा है। 11 अप्रैल को आपका वोटिंग 11 अप्रैल को है ना, 11 अप्रैल को है ना, 11 अप्रैल को जब देश पहला वोट डालेगा, जब पहली बार वोट डालने वाला हमारा युवा बूथ में जाएगा तो वो ईवीएम पर कमल के निशान पर उंगली दबाने से पहले विकास की इस तस्वीर को लेकर के जाने वाला है।